कोविड-19 के चलते थिएटर में कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो पाई है। जी हाँ, जब से लॉकडाउन लगा है भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी कोई भी मूवी थिएटर में रिलीज नहीं हुई है। थिएटर के जगह मूवी अब डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। लेकिन दोस्तों, सभी फैंस के मन में अब यह सवाल है कि आफ्टर लॉकडाउन वो कौन सी फिल्म होगी जो सबसे पहले थिएटर में रिलीज होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत और विदेश वो ऐसी फिल्म जो सबसे पहले थिएटर में रिलीज होगी वो है क्रिस्टोफर नोलन सर की फिल्म टेनेट। जी हाँ, जो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और उस फिल्म का रन टाइम है 2 hours 31 minutes। जी हाँ, और टेनेट को डायरेक्शन दी है क्रिस्टोफर नोलन ने और इसे प्रोड्यूस किया है खुद क्रिस्टोफर नोलन ने। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन जो कि एक बहुत मशहूर डायरेक्टर है और इससे पहले भी उन्होंने इंसेप्शन और बैटमैन जैसी मूवी दी है। तो बात करें दोस्तों इस टेनेट की, तो इसमें लीडिंग कास्ट है जॉन डेविन वाशिंगटन एंड रॉबर्ट पैटिनसन। दोस्तों बात करें टेनेट के बजट की, तो इसे हाई बजट में बनाए गए। हाँ जी हाँ दोस्तों, 1600 करोड़ प्लस के बजट में इसे बनाए गए और सभी इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इसका क्रेज़ भी हाई है। तो दोस्तों, ये मूवी हिंदी में भी रिलीज़ होने वाली और कल ही इसके 4 नए पोस्टर रिलीज़ किए गए हैं। दोस्तों, एक ख़ास बात और है, इस फिल्म में एक हिंदी कलाकार भी है। जी हाँ, हमें टेनेट मूवी में डिंपल कपाड़िया भी देखने को मिलेंगी। और बात करें हम दोस्तों इसके रिलीज़ के बारे में, तो UK में यह फिल्म 26 अगस्त को लग रही है सिनेमाग्रह में और इसके बाद में 3 सितंबर को USA में भी लगने वाली है। और दोस्तों, भारत में भी यह पहली फिल्म होगी जो थिएटर में रिलीज़ होगी और इसकी अभी ऑफिशियली डेट नहीं आई है। दोस्तों, जैसे ऑफिशियली डेट आएगी मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं टेनेट मूवी का, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी न्यूज़ पाने के लिए आप अपने चैनल प्रीतम दा एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना।